अवेयर करें। जैसा कि 15 अगस्त पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होना रहता है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अभी रिहर्सल के लिए कुछ स्कूल्स को बुलाया था। तो हमारे यहाँ पर तकरीबन 8 स्कूल्स से बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। कुछ स्कूल्स का जिनका परफॉर्मेंस और तैयारियाँ पूरी थी उनको हमने फाइनल कर दिया है, और जो बाकी स्कूल्स हैं जिनकी तैयारियाँ पूरी किसी वजह से नहीं हो पाई थी उसके लिए भी हमने नेक्स्ट रिहर्सल का टाइम दे दिया है। तो उस दिन हम उसको फाइनली सेलेक्ट करके और प्रोग्राम को अप्रूव कर देंगे। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मोस्टली देशभक्ति से रिलेटेड हैं, और जो मोस्टली कार्यक्रम है वो हमारी हरियाणा की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हर घर तिरंगा के लिए हम पूरे जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि फिलहाल भी हम स्कूल में हैं, तो यहाँ स्कूल से भी हमारा बहुत योगदान है हर घर तिरंगा के लिए। सभी स्कूलों में एक गतिविधि कराई जाएगी हर घर तिरंगा को लेकर, जिसमें बच्चे प्रोत्साहित होकर तिरंगा बनाएंगे और अपने घरों पर लहराएंगे। बाकी भी जो विभिन्न विभाग हैं उनको भी हमने जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं कि वो जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ हैं और जो भी उनसे संबंधित है सबको हर घर तिरंगा के लिए अवेयर करें। जैसा कि 15 अगस्त पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होना रहता है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अभी रिहर्सल के लिए कुछ स्कूल्स को बुलाया था। तो हमारे यहाँ पर तकरीबन 8 स्कूल्स से बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। कुछ स्कूल्स का जिनका परफॉर्मेंस और तैयारियाँ पूरी थी उनको हमने फाइनल कर दिया है, और जो बाकी स्कूल्स हैं जिनकी तैयारियां पूरी किसी वजह से नहीं हो पाई थी उसके लिए भी हमने नेक्स्ट रिहर्सल का टाइम दे दिया है। तो उस दिन हम उसको फाइनली सेलेक्ट करके और प्रोग्राम को अप्रूव कर देंगे। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मोस्टली देशभक्ति से रिलेटेड हैं, और जो मोस्टली कार्यक्रम है वो हमारी हरियाणा की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हर घर तिरंगा के लिए हम पूरे जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि फिलहाल भी हम स्कूल में हैं, तो यहाँ स्कूल से भी हमारा बहुत योगदान है हर घर तिरंगा के लिए। सभी स्कूलों में एक गतिविधि कराई जाएगी हर घर तिरंगा को लेकर, जिसमें बच्चे प्रोत्साहित होकर तिरंगा बनाएंगे और अपने घरों पर लहराएंगे। बाकी भी जो विभिन्न विभाग हैं उनको भी हमने जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं कि वो जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ हैं और जो भी उनसे संबंधित है सबको हर घर तिरंगा के लिए अवेयर करें। जैसा कि 15 अगस्त पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होना रहता है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अभी रिहर्सल के लिए कुछ स्कूल्स को बुलाया था। तो हमारे यहाँ पर तकरीबन 8 स्कूल्स से बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। कुछ स्कूल्स का जिनका परफॉर्मेंस और तैयारियाँ पूरी थी उनको हमने फाइनल कर दिया है, और जो बाकी स्कूल्स हैं जिनकी तैयारियाँ पूरी किसी वजह से नहीं हो पाई थी उसके लिए भी हमने नेक्स्ट रिहर्सल का टाइम दे दिया है। तो उस दिन हम उसको फाइनली सेलेक्ट करके और प्रोग्राम को अप्रूव कर देंगे। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मोस्टली देशभक्ति से रिलेटेड हैं, और जो मोस्टली कार्यक्रम है वो हमारी हरियाणा की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हर घर तिरंगा के लिए हम पूरे जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि फिलहाल भी हम स्कूल में हैं, तो यहाँ स्कूल से भी हमारा बहुत योगदान है हर घर तिरंगा के लिए। सभी स्कूलों में एक गतिविधि कराई जाएगी हर घर तिरंगा को लेकर, जिसमें बच्चे प्रोत्साहित होकर तिरंगा बनाएंगे और अपने घरों पर लहराएंगे। बाकी भी जो विभिन्न विभाग हैं उनको भी हमने जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं कि वो जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ हैं और जो भी उनसे संबंधित है सबको हर घर तिरंगा के लिए अवेयर करें। जैसा कि 15 अगस्त पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होना रहता है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अभी रिहर्सल के लिए कुछ स्कूल्स को बुलाया था। तो हमारे यहाँ पर तकरीबन 8 स्कूल्स से बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। कुछ स्कूल्स का जिनका परफॉर्मेंस और तैयारियाँ पूरी थी उनको हमने फाइनल कर दिया है, और जो बाकी स्कूल्स हैं जिनकी तैयारियां पूरी किसी वजह से नहीं हो पाई थी उसके लिए भी हमने नेक्स्ट रिहर्सल का टाइम दे दिया है। तो उस दिन हम उसको फाइनली सेलेक्ट करके और प्रोग्राम को अप्रूव कर देंगे। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मोस्टली देशभक्ति से रिलेटेड हैं, और जो मोस्टली कार्यक्रम है वो हमारी हरियाणा की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हर घर तिरंगा के लिए हम पूरे जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि फिलहाल भी हम स्कूल में हैं, तो यहाँ स्कूल से भी हमारा बहुत योगदान है हर घर तिरंगा के लिए। सभी स्कूलों में एक गतिविधि कराई जाएगी हर घर तिरंगा को लेकर, जिसमें बच्चे प्रोत्साहित होकर तिरंगा बनाएंगे और अपने घरों पर लहराएंगे। बाकी भी जो विभिन्न विभाग हैं उनको भी हमने जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं कि वो जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ हैं और जो भी उनसे संबंधित है सबको हर घर तिरंगा के लिए अवेयर करें। जैसा कि 15 अगस्त पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होना रहता है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अभी रिहर्सल के लिए कुछ स्कूल्स को बुलाया था। तो हमारे यहाँ पर तकरीबन 8 स्कूल्स से बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है।
कुछ स्कूल्स का जिनका परफॉर्मेंस और तैयारियां पूरी थी उनको हमने फाइनल कर दिया है, और जो बाकी स्कूल्स हैं जिनकी तैयारियां पूरी किसी वजह से नहीं हो पाई थी उसके लिए भी हमने नेक्स्ट रिहर्सल का टाइम दे दिया है, तो उस दिन हम उसको फाइनली सेलेक्ट करके तो प्रोग्राम को अप्रूव कर देंगे। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मोस्टली देशभक्ति से रिलेटेड हैं, और जो मोस्टली कार्यक्रम है वो हमारी हरियाणा की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हर घर तिरंगा के लिए हम पूरे जोरों शोरों से तैयारियाँ करें।